अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े स्टिक्स। तो चले आएँ बग़ैर टाइम वेस्ट की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स कट कर लेंगे। वेजिटेबल्स में हम लेंगे बंद गोभी। बंद गोभी देखें, एक छोटे साइज़ के मैंने फूल लिया है और उसमें से भी हम हाफ़ यूज़ करेंगे क्योंकि कट होने के बाद यही इनफ है। फिर हम लेंगे प्याज। प्याज जो है मैंने एक बड़े साइज़ के लिए है, लेकिन इसको भी हम हाफ़ यूज़ करेंगे क्योंकि बड़े साइज़ का मैंने इसलिए लिया है ताकि सारी वेजिटेबल जो हैं एक ही शेप और एक ही साइज़ की हों। आपकी मर्ज़ी है, छोटा प्याज ले लें। वाइट पार्ट रिमूव कर दिया है और इसे भी हम पतला पतला सा स्लाइस कर लेंगे। स्लाइस करने के बाद आपने इसे इस तरह से करना है ताकि इसकी लेयर जो है वो अलग अलग हो जाए। एक साइड पर रख लें। फिर सबसे लास्ट में हम लेंगे आलू। आलू सबको ही बहुत पसंद होते हैं तो इसलिए मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है। इसे भी हम पतला पतला सा स्लाइस करेंगे। स्लाइस करने के बाद आपने इन्हें इकट्ठा पकड़ के इस तरह से रखना है और पतला पतला सा कट कर लेना है। तो ये हमारे जूलियन शेप के आलू कट हो जाएंगे, यानी कि पतले पतले से और छोटे छोटे से फ्राइज। इन्हें भी आप एक साइड पर रख लें। अगर आप चाहें तो सिर्फ जो है आलू इसमें ऐड कर लें, अगर बच्चों को वेजिटेबल्स नहीं पसंद बंद गोभी और प्याज। तब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली हम लोगों ने पकौड़ों का मिक्सचर रेडी करना है। तो एक बड़ा सा बोल लेंगे और इसमें हम डालेंगे आलू जिसे हम लोगों ने पतला पतला कट कर लिया था। उसे मैंने अच्छी तरह से वॉश किया, पानी ड्रेन ऑफ करके इस बोल में ऐड कर लिया है। साथ ही हम डालेंगे प्याज। प्याज के साथ हम डालेंगे बंद गोभी। तीन हमारी वेजिटेबल्स हो गई। उसके बाद हम लेंगे 2 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। पकौड़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। हसबे जायका नमक 1 चाय का चम्मच या फिर हसबे जायका कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया, 1/2 चाय का चम्मच अजवाइन और 1 चाय का चम्मच या फिर हसबे जायका पिसी हुई लाल मिर्च। बस इसमें यही स्पाइसेस हैं। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम लोगों ने डालना है बेसन। बेसन जो एग्जैक्टली मैंने 1 पाव मेजर करके रखा होता है, लेकिन सारा एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम लोग बेसन ऐड करेंगे और पानी डालकर मिक्स करते जाएंगे। ये मिक्सचर जो है ना, हम लोगों ने ना तो बहुत ज़्यादा थिक बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम बेसन डाल रहे हैं। हम लोगों ने जो है मीडियम कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है जो ईज़िली ब्रेड के ऊपर स्टिक हो सके। तो बस ये देखें, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा पकौड़ों का मिक्सचर रेडी है। तो अब चलते हैं हम ब्रेड की तरफ। ब्रेड जो है मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस लिए और इन्हें जो है हम थोड़ा सा पहले तवे के ऊपर सेक लेंगे ताकि इनके अंदर जो इनका अपना मॉइस्चर होता है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि फ्रेश ब्रेड होगी तो वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है। तो उससे क्या होगा कि कोट करते करते ही ये तो मिक्सचर के अंदर ही टूट जाएगी ना, तो इसलिए पहले इसे आपने थोड़ा सा सेक लेना है ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद इन सारी चारों ब्रेड के स्लाइसेस को जो है मैं 4-4 स्ट्रिप्स में कट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं आपने करनी और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी करनी है। तो अब चलते हैं इनकी कोटिंग की तरफ। ब्रेड के ऊपर इस मिक्सचर को कोट करना इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। बस इसकी एक ट्रिक है, वो आप नोट कर लें। देखिए, इसके ऊपर मैंने ब्रेड रखी, ब्रेड के ऊपर मैंने पकौड़ों का मिक्सचर रखा, साइड चेंज की और दूसरी साइड भी पकौड़ों का मिक्सचर रख रही हूँ, ब्रेड को नहीं घसीट रही, वरना ब्रेड इसमें टूट जाएगी। उसके बाद जब आपने इसे उठाना है ना, उठाना आपने इसे चारों उंगलियों की मदद से, ताकि नीचे वाली साइड भी जो पकौड़ों का मिक्सचर है ना वो पेस्ट रहे, ऊपर वाली साइड तो लगा हुआ ही है ना। और इसे आपने फ़ौरन गर्मा गर्म ऑयल में डाल देना है। ऑयल का टेम्परेचर मैंने पहले चेक कर लिया था, एक छोटा सा आलू डालकर सिंपल जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं ना, अगर तो ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो हमारे पकोड़ा जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा, और अगर बहुत लो फ्लेम पर आप इसे फ्राई करेंगे तो पकोड़े जैसे ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सेम ये भी ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे, नथिंग इज़ डिफरेंट। तो सिंपल पकोड़ों की तरह आपने इसे फ्राई कर लेना है। दूसरा बैच जब आपने पकौड़ों का डालना है तो ऑयल के टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन होने दीजिएगा। अगर आपको इस तरह से कोट करना मुश्किल लगता है तो आपने इसमें ब्रेड रखी, दोनों साइड से आपने उसी तरह से वेजीज लगाई, इसे थोड़ा सा आप टर्न करें, टर्न करते करते आपने दोनों हाथों की मदद से इसे इस तरह से उठा लेना है और फ़ौरन से ऑयल में, ऑयल में जाते साथ ही इसकी जो वेजीज़ हैं इसके ऊपर ही पेस्ट हो जाएंगी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये देखें, जितना हमने मिक्सचर रेडी किया था और हमारे पास जो 4 ब्रेड से हमारे पास 16 स्लाइसेस रेडी हुए थे, तो ये पूरा मिक्सचर एकदम इसके अंदर पूरा हो गया, बिल्कुल भी नहीं बचा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से क्रिस्पी ब्रेड पकौड़े स्टिक्स रेडी हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर आप चाट मसाले स्प्रिंकल करें और इसे सर्व करें केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।